बोट यात्रा के अगले पड़ाव के रूप में हम पहुंचे हैं मधेपुरा। मधेपुरा के आलमनगर के इस फुलौत इलाके में जहां कोसी बहती है। मंडल आयोग, मंडल कमीशन देश भर में जाना पहचाना नाम है और इसी मंडल कमीशन के जो आर्किटेक्ट थे बीपी मंडल, उनका ये गढ़ रहा है। लालू और शरद यादव दोनों की लड़ाई भी इस मधेपुरा ने देखी है और आज भी कहते हैं रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। हम यहाँ टटोलेंगे यहाँ की समस्याओं को और जानेंगे यहाँ का राजनीतिक हाल। क्षेत्र विकास सरकार खाली आश्वासन दै छै, क्षेत्र विकास के सरकार खाली आश्वासन दै छै, पानी के देखी के जनता दुख काटै छै भारी, पानी के देखी के जनता दुख काटै छै भारी, प्रशासन पैदा उठाबे कोसी त्रासदी में, प्रशासन पैदा उठाबे कोसी त्रासदी में, हो भैया कोसी त्रासदी में, कोसी त्रासदी में, हे रुक गेल हमर विकास के गाड़ी कोसी त्रासदी में, रुक गेल इलाके में। अभी भी ये बीहड़ इलाका कहा जा सकता है, समाजवादियों का ये गढ़ है। बावजूद इसके विकास बहुत दूर तक नहीं पहुंची है, शहर के अलावा अगर गांव की बात करें तो बहुत कम जगह हमें वो विकास या सुशासन दिखता है। ये बताइए कि इस इलाके की मूल समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ संपर्क पथ नहीं है। दूसरी समस्या है कि यहाँ स्वास्थ्य में यानी 90% जो है किसी भी हॉस्पिटल में दवाई उपलब्ध नहीं रहते हैं, हॉस्पिटल तक जाने के लिए यातायात की साधन नहीं है। दूसरी समस्या यहाँ पर है शिक्षा का। शिक्षा विभाग तो समझिए कि मधेपुरा जिला का तमाम प्रखंड चौपट है। समाजवादियों का गढ़ है, लालू शरद बीपी मंडल सारे लोग यहाँ के ही हैं। पूर्व के जो भी नेता लोग थे, चाहे बीपी मंडल हो या और कोई अन्य हो, वह लोग की अपेक्षा यह लोग बहुत दूर है। बीपी मंडल के नेतृत्व का जो मुख्य मुकोटा था उसको जो है लालू प्रसाद शरद यादव खेल में तब्दील कर दिए। ये बताइए कि आप लोगों को सरकार के तरफ से कुछ मिलता है? बोले ना पड़े जो कौन से खा रहा हमें साधन नहीं थे, कोई चौक खाना करो 20 भाड़ा देखाबे छे ला पर इमरजेंसी नहीं छे, दिखते न रहे छे 20 दलिए ला रे नहीं रहते तो बाल बच्चा मरते, दवा सुइया ला ओठना खा बिगुर मरते, पानी में छे पानी हेलै छे तब सब चीज हेलै छे, यहाँ स्कूल पर रहे छे। स्कूल पे रहती है? हाँ स्कूल पर रहे छे। हालत ये है कि बच्चे यहाँ स्कूल पर रहने को मजबूर हैं क्योंकि इस इलाके में यातायात का कोई साधन मौजूद नहीं है। ऐसे में चाहे बड़े नेताओं की भले ही ये धरती रही हो लेकिन विकास यहाँ से कोसों दूर है। कोसी त्रासदी में, ओ भैया कोसी त्रासदी में, रुक गेल हमर विकास के गाड़ी कोसी त्रासदी में, रुक गेल हमर विकास के गाड़ी कोसी त्रासदी में, हो भैया कोसी त्रासदी में, कोसी त्रासदी में, हो भैया रुक गेल हमर विकास के गाड़ी कोसी त्रासदी में, रुक गेल बहुत ही जागरूक लोग हैं इस इलाके के राजनीतिक तौर पे, लेकिन सबसे ज्यादा बेहाल भी। हम इन लोगों से पूछते हैं आखिर मधेपुरा में क्या है इनकी सबसे बड़ी समस्याएं, विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है रास्ते की, रोड जो अभी तक पूरा डैमेज पड़ा हुआ है। ये लोगों की जुबानी है उस मधेपुरा का जिसे बड़े बड़े नेताओं ने प्रतिनिधित्व किया है। हम आपको दिखा सकते हैं, ये वो नाव है जिसमें आप कितनी क्षमता से ज्यादा लोग सवार होते हैं क्योंकि इन्हें अपने घर जाना है। आपको क्या लगता है और क्या क्या समस्याएं हैं? सड़क का सबसे ज्यादा समस्या सर यहाँ है, आवागमन का बहुत बड़ा कष्ट है यहाँ। सबसे ज्यादा तो सड़क है, अस्पताल है, आवागमन नहीं है, शिक्षा में कमी है, ये ज्यादा परेशानी है यहाँ। ज्यादा करके सड़क का ही ज्यादा, सबसे बेसी सड़के रखिए, कहीं कोई आवागमन का नहीं है रास्ता आने जाने का। सबसे ज्यादा अगर यहाँ किसी चीज की समस्या लोग बताते हैं तो वो है सड़क। हम सड़कों को भी देखेंगे इस इलाके में कि आखिर इतना VIP कंस्टिट्यूएंसी होने के बाद भी यहाँ सड़क क्यों नहीं बना। आप लोग बताइए कि सड़क शिक्षा के अलावा क्या है जो आप लोगों को परेशान कर रहा है? यहाँ का समस्या शिक्षा,
हॉस्पिटल। क्या हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं आते? हॉस्पिटल बना हुआ है लेकिन डॉक्टर नहीं आते हैं। टीचर्स? टीचर आते हैं लेकिन कॉलम पूरा करते हैं। शिक्षा के मामला में सबसे खत्म घटिया क्लास वाला हिसाब किताब रहता है। सर यहाँ पर मवेशी डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं रहते हैं। मवेशी गुट होने नए डॉक्टर हैं, बच्चे को भी यहाँ से 20-50 किलोमीटर लेके बाहर जाना पड़ता है, उसके अंदर रस्ते में मर जाता है, कोई इलाज नहीं होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पर डॉक्टर एक भी नहीं रहते हैं, कभी नहीं। नेता यहाँ से बड़े बड़े नाम जीतते आए हैं हमेशा इस मधेपुरा से। नेता और अफसर सुध लेते हैं आप लोगों की? लेते हैं लेकिन कम लेते हैं। जहाँ तक संसाधन होता है वहाँ तक उस समस्या का समाधान करते हैं। क्योंकि ये हमारा इलाका बाढ़ का इलाका है और प्रकृति की आपदा से अफसर लोगों के हाथ में नहीं है, ना नेता के हाथ में है। कि आखिर इतनी समस्याओं के बावजूद क्या लोग एक बार फिर नीतीश कुमार और लालू के गठबंधन को वोट करेंगे या फिर यहाँ लोग बदलाव की चाहत रखते हैं? कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ के नेता लोग, कुछ नहीं करता है, और क्या कहें हम। किस तरह के समस्याओं से रूबरू आप? समस्या तो बहुत है सर, न स्कूल में पढ़ाई होता है, न हॉस्पिटल में डॉक्टर है, और सब तरह इधर उधर गंदा बना हुआ है, डैमेज ही डैमेज सर तमाम है। इलाके के मंत्री हैं अभी नरेंद्र नारायण यादव, जो 3 बार जीत चुके हैं, 5 बार जीते हैं, 25 वर्ष से वो जीत रहे हैं, 25-5 से थी, लेकिन 3 बार मंत्री बन चुके हैं लेकिन कोई कुछ नहीं हो रहा है। 10 साल से तो देखने के लिए भी नहीं आता क्या है। यहाँ पुल अभी तक पुल का डिमांड है क्या? पुल बन रहा है RCC जो 18 महीनों का था, डेट पड़ा हुआ था, लेकिन 24 महीनों में भी तैयार नहीं हुआ है और पाया भी नहीं झलक रहा है, तार भी नहीं। चुनाव होने वाले हैं, इस बार महागठबंधन एक तरफ है, लालू यादव और नीतीश कुमार 17 सालों के बाद एक साथ दिख रहे हैं। आप लोग को लगता है कि महागठबंधन मजबूत होकर उभरेगा या फिर मोदी की जो का जो क्रेज है, मोदी का जो जलवा है नरेंद्र मोदी का, वो बीजेपी को जिताएगा? देखिए फिलहाल ये तो समाजवादी का धरती है, वोट परसेंटेज देखा अगर जाएगा तो उस हिसाब से यहाँ समाजवादी के जो विचारधारा के लोग हैं उन्हीं को यहाँ की जनता मदद करती है। यहाँ का राजनीतिक मिजाज जो है सर वो अब की बीजेपी के पक्ष में है। जो वर्तमान में जो सरकार चल रहा है उससे लोग इतना उब चुका है कि कहीं कोई विकास नहीं है, कहीं कोई उससे वो फायदा नहीं है, इसलिए लोग का मियाद जो है ना अब की जो है ना NDA सरकार मोदी सरकार को मुहर लगाने का। लेकिन नीतीश कुमार ने पिछले 10 सालों में काम भी किया है, लोग कहते हैं नीतीश अच्छे हैं, क्या होगा? लगता है नीतीश कुमार इस बार वोट मिलेगा मधेपुरा से? मधेपुरा से नीतीश कुमार को वोट नहीं मिलेगा क्योंकि इस इलाके का लोग जो है अपने विकास के लिए तत्पर है, जो आदमी विकास करेगा उसी को वोट देगा। अभी से तो विकास किया 10 सालों में, विकास क्या किया, शहरों में विकास किया, जैसा विकास किया फिर रोड बनाया, रोड उखड़ गया उसी के शासनकाल में उखड़ गया, 7 साल के दौरान 8 साल के दौरान जैसा रोड बना फिर उसी के शासनकाल में उखड़ गया, विकास किस बात की? आपको क्या लगता है जिस तरीके से DNA का की बात की जा रही है कि नीतीश कुमार के DNA को कहा गया, आप लोग को लगता है कि असर पड़ेगा इस बार मोदी के मोदी ने जो DNA की बात कही है नीतीश कुमार पर? हाँ असर पड़ेगा। किसके तरफ आपके हिसाब से लगता है लोगों का मूड है? BJP की ओर ज़्यादा देख रहे हैं आदमी सब है, इसलिए कि शरद ने बार बार झूठी यहाँ से वादा करके गया। ये बताइए कि क्या लालू यादव और नीतीश कुमार ये दोनों करीब 2 दशक के बाद एक साथ आए, आपको लगता है कि इन दोनों के आने से कम मधेपुरा में जो समाजवादियों का गढ़ है यहाँ पर इन्हें बहुत फायदा होगा? जी नहीं, बहुत फायदा नहीं होने वाला है। ये विकास का नाम तो नीतीश जी के सरकार में सुनते हैं लेकिन फुलौत प्रॉपर विकास का काम नहीं हुआ है। नहीं, मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा की राजनीति है कैसी रहेगी? मधेपुरा की राजनीति लालू नीतीश को फायदा होगा? जी नहीं, उनको फायदा नहीं होने वाला है। कि आप लोग तो बहुत पहले से देख रहे हैं इस चीज को, लालू और नीतीश एक साथ आए हैं, जिन्होंने कहते हैं पिछड़ों को आवाज दी, दबे कुचलों को उठाया, इस बार क्या होगा? इस बार सब लोग लालू नीतीश के साथ जाएंगे या BJP और मोदी के साथ जाएंगे? मोदी जी के साथ जाएंगे। क्यों? यहाँ पर विकास कुछ नहीं हुआ है, नीतीश कुमार ने नहीं किया है कुछ। आप भी ऐसा ही सोचते हैं? जी हाँ, यहाँ पर मोदी की सरकार, सभी लोग कहते हैं कि मोदी को वोट देंगे। लालू और नीतीश के अलावा अगर कहें तो मोदी का नाम फिलहाल ज्यादा दिखाई दे रहा है। हम और लोगों से पूछते हैं जो नाव चलाते हैं, उनसे भी पूछ लें। ये बताइए भाई, आप लोग भी लोगों को लाते ले जाते होंगे, क्या चर्चा है यहाँ इस बार?
यहाँ अमित मोदी एक पक्ष में चले रहें आब ने छोटको देखे ल मिले छे महंगा भेले भारी आब ने छोटको देखे ल मिले छे महंगा भेले भारी जहर देखे नाश कर अल्लाह कई कोसी त्रास जी में जहर देखे जहर देखे नाश कर अल्लाह कई कोसी त्रास जी में। इस बार के चुनाव में आप लोगों को क्या लगता है किसकी तरफ लोगों का मत जाएगा? नीतीश कुमार की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? लगता है नीतीश कुमार ने विकास किया है? हाँ, विकास किया कि राशन पानी मिलता है, चावल मिलता है, स्कूल में पढ़ाई मिलता है, अभी तो पानी तानी है। यहाँ का जो है ना लोग जो है नीतीश से और लालू से तंग आ गया है। यहाँ का हर व्यवस्था जो है वह कंडम है, इसलिए अब की बार जो है लोगों का झुकाव है भाजपा की ओर। ऐसा काम किया है नीतीश कुमार ने 10 साल? सर तो काम तो सही है किया है, मगर NH 106 का नहीं देख पाया। मोदी की चर्चा इतनी ज्यादा है जरूर चौंकाती है। हम और लोगों से भी पूछ लेते हैं, ये बताइए क्या होगा इस बार यहाँ चुनाव में? क्या DNA जिस तरीके से मोदी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा और उसके बाद उसको मुद्दा बनाया गया, आपको लगता है ये मुद्दा बना? मोदी जी जो भी मुद्दा बनाया है वह सार्थक है और मोदी जी का लहर महागठबंधन कभी रोक नहीं पाएंगे। हर स्थिति में मोदी बिहार में सरकार बनाएंगे। मधेपुरा जिला में जहां तक संभव देख रहे हैं यानी 70% लोग BJP के पक्ष में। समाजवादियों की इस धरती पे ऐसे बयान शायद चौंकाएं जरूर, क्योंकि ये लालू, शरद और कह सकते हैं नीतीश कुमार का गढ़ रहा है। लेकिन हमारे साथ जो लोग इस वक्त इस बोट यात्रा में, इस बोट पर, इस नाव पर मौजूद हैं, उनकी राय इतर जरूर है। ये था हमारा मधेपुरा का बोट यात्रा का कार्यक्रम। मधेपुरा से हमारी ये नाव अब जाएगी बदला घाट, जो कि सहरसा और खगड़िया के सीमा पर है। हम मिलेंगे अगले बोट यात्रा के पड़ाव पर।